अभी मैं हूँ SBB मिडिल स्कूल में और यहाँ पर रात का खाना दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग थे तो यहाँ पर 3 टाइम खाना मिला। ये रात का खाना बांटा जा रहा है, अभी यहाँ पर बिरयानी बांटा जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे लोग थे उन लोगों की मांग थी आज बिरयानी दिया जाए। तो यहाँ पर ओखला MLA साहब भी हैं और उनकी निगरानी में यहाँ पर आज रात की खाना दी जा रही है। तो आज रात की खाना जा रही है निगरानी में और बच्चों की मांग की आज बिरयानी दी जाए तो पूरा मुकम्मल किया गया। हाँ नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश के बावजूद भी यहाँ पर आज बिरयानी आई है। हाँ नहीं नहीं भाई जरूरत है, कहा बच्चों ने तो मैंने करा दिया। खाना तो आने था, अब बारिश हुई तो बिरयानी आ गई। तो आप यहाँ पर लगभग 4-5 घंटे से लगातार हैं? हाँ मुझे हो गए 5-6 घंटे। बाद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं? नहीं भाई बेचारे परेशान हैं, तकलीफ में हैं। बारिश हो गई दोबारा, ये कई रात को अगर बढ़ गई बारिश मौसम तो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आप कोशिश कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत आगे नहीं लगता कि आएगी। हमने सारे जितने भी एंट्री थी पानी, क्योंकि यमुना का पानी उतर गया है तो इलाके से हमने सब खोल दिया, पानी उतर गया। अब जो इनकी झुकियों के आसपास पानी है उसको भी कल से सुखाने का काम हम लोगों का चल रहा है तो उसे भी कल सुखा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी लंबे कतारें हैं, वो कतार को दिखाना चाहते हैं। ये कतार चेक कर सकते हैं, पीछे तक लाइन लगी हुई है और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये खाना दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज जो खाने हैं, खाने में बिरयानी है और यहाँ पर गार्ड भी है जो देख उनके देख रेख की निगरानी में सबको मिल जाए। ताकि ये सीधी तस्वीरें आपको हम SBB मिडिल स्कूल से दिखा रहे हैं और लगातार ओखला MLA यहाँ पर 4-5 घंटे से हैं ताकि आज जो बच्चों की मांग थी बिरयानी की वो पूरा किया जा सके।